नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, काउंसिलर, री एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। केड़कर हॉस्पिटल चला रहा हूँ पिछले 3 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया वो है ECT, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम जनरल टर्म से बोलते हैं विद्युत लहरी उपचार। बेसिकली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है क्या और इसमें हम करते क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि ECT हम देते क्यों। ECT ये साइकेट्री पेशेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा मैजिकल उपचार हो चुका है। पहले के जमाने में जब ECT नहीं था तब दवाइयां देने के बावजूद पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब विद्युत लहरी उपचार, ये इन्वेंशन इसका, डिस्कवरी इसका हुआ। इसमें होता क्या है, इसमें हम पेशेंट को सुलाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और फिर बाद में जो मेंदु है, जो ब्रेन है, टेम्पोरल रीजन है, वहां हल्का सा करंट देते हैं 0.1 सेकेंड के लिए। उससे होता क्या है, जो केमिकल्स खराब हो गए हैं ब्रेन में, जो केमिकल्स डैमेज हो गए हैं अलग अलग बीमारियों में, वो सही लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के इंडिकेशंस क्या है, कौन सी बीमारी में हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये चीज है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कोई भी साइकेट्री पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्किजोफ्रेनिया, जिसको हम छिन्न मनस्कता बोलते हैं। स्किजोफ्रेनिया में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड है बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया, थर्ड है डिप्रेशन, फोर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिफ्थ है सुसाइडल इंडिकेशंस, सिक्स्थ है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम ECT बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ECT घातक है या ECT से कोई व्यक्ति खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ECT के कारण कोई भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है या उसकी इफेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ECT के बाद। ECT के कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या, हाँ है। ECT के साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली है, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए है। यूजुअली अमनेजिया मतलब भुलक्कड़पना ECT से होता है, लेकिन वो खाली 1 या 2 महीने के लिए रहता है। उसके तुरंत बाद ECT के कारण जो भुलक्कड़पना आता है वो चले जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे मिराकुलस रिजल्ट्स देखे हैं जो ECT के कारण आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 2 साल से खाना ही नहीं खा रहा था, लेकिन हमने ECT दिया, पेशेंट 1 दिन बाद खाना खाने लगते। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो वॉयलेंट हो जाते हैं, मारामारी करते हैं, मां बाप को मारने के लिए बेताज रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं, उनको हमने ECT दिया और 2 दिन में पेशेंट एकदम साइलेंट हो गया। एक ऐसा भी पेशेंट था जो बार बार उसके सुसाइड के विचार आते थे, बार बार मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट किए थे, हमने ECT दिया और 1 ही दिन में पेशेंट एकदम शांत हो गया। इतने मिराकुलस रिजल्ट्स हमने ECT के कारण देखे है। ECT किसी को देना चाहिए या देना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह सुपरवाइज्ड है, यानी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ECT पेशेंट को देते हैं या नहीं देते। इनफैक्ट बहुत बार 98% टाइम ऐसा होता है ECT देने के बाद भी पेशेंट को समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअली मुझे क्या दिया है, ECT दिया है या नहीं दिया है। यूजुअली डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट ये ECT का कोर्स हम डिसाइड करते हैं। यूजुअली 8 से 11 ECT हम पेशेंट को दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी बीमारी कितने लेवल तक है और कितनी सीरियस है। बहुत बार सीजनल ECT या मंथली ECT भी देते हैं, जिसमें पेशेंट को हम हर मंथ बुलाते हैं ECT देके फिर घर पे जाने देते हैं। ऐसा ये पूरा ECT का जो ट्रीटमेंट है वो हम चलाते हैं। ECT ये IPD या और OPD दोनों बेसिस पे हम करते हैं। केड़कर हॉस्पिटल में हम रोज 10 लगभग ECD देते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसीलिए आपने जो दिमाग में जो गलत फहमी या मिसकंसेप्शन है ECT के बारे में, वो पूरी तरह निकाल देना चाहिए और ECT को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा लोग ECT ले सके और उनका जो परफॉर्मेंस है, इफेक्टिविटी है, लाइफ है, वो बेटर हो सके। ECT के लिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मैसेज भेजिए, तो मैं आपको अधिक जानकारी दे सकता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।